नमस्कार, जायका उत्संगे में आपका स्वागत है। आज बन रहा है मुरमुरा की चटपटी, जो खाने में हल्के फुल्के होते हैं। सुबह हो या शाम, जब भी छोटी मोटी भूख सताने लगे तो आप ये झटपट मज़ेदार रेसिपी बनाकर एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मुरमुरे की चटपटी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप मुरमुरे लिए हैं, ये पतले वाले ले लिए हैं मैंने। अगर आपके पास मोटे हो तो वो भी आप ले सकते हैं। अब इसे हम धोकर ले लेंगे। अब धो लेने के बाद ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मुरमुरा श्रिंक हो गया है। अब इसे हम एक छन्नी में निकाल देंगे ताकि जो एक्सेस वाटर है उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। अब एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून जितना तेल गरम करके ले लिया है और तेल गरम भी हो गया है। हम उसमें 1/4 कप शेंगदाना डाल देंगे और इसे हम भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं मूंगफली का कलर चेंज हो गया है, बस हल्का लाल कलर आ जाए तब हम इसे निकाल देंगे। अब उसी तेल में हम 1/2 टेबलस्पून राई के दाने डाल देंगे। शेंगदाना अगर आपको सॉफ्ट करके खाना है तो इसी में हम प्याज टमाटर शेंगदाना के साथ ही ऐड करके आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्रंची टेस्ट चाहिए तो शेंगदाना को निकाल दे और बाद में जब हम सर्व करते हैं तब हम इसमें उसके ऊपर डाल देंगे। अब जैसे ही राई चटकने लगे हम उसमें 1 मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे, थोड़े से कड़ी पत्ता, 1 हरी मिर्च जिसे बारीक कट करके ले लिया है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम हल्का गुलाबी हो जाए तब तक इसे हम पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट बाद मैं इसमें 1 मीडियम साइज का टमाटर जिसे बारीक कट करके ले लिया है वो डाल देंगे। टमाटर हल्के से गलने लगे तब तक हमें इसे पका लेना है। तो ये तैयार है। तो अब इसमें हम ड्राई मसाले डाल देते हैं। 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हरी मिर्ची हमने डाली हुई है इसलिए 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, इसे हम मिला देंगे और 0.5 से 1 मिनट ये मसाले को इसमें भून लेंगे। तो इसमें मुरमुरे डाल देंगे हम, स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून नींबू का रस, मिक्स कर लेंगे। बस बच्चों की छोटी मोटी भूख हो तभी आप जल्दी से फटाफट इसे बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। तो ये सर्व करने के लिए तैयार है, हम गैस ऑफ कर देंगे। अब इस पर हम हरी धनिया डाल देंगे और ये जो शेंगदाना हमने फ्राई करके ले लिए हैं वो भी हम डाल देंगे। शेंगदाना को अगर आपको क्रंची रखना है तो इस स्टेज पर लास्ट में एकदम एंड में इसे गार्निश करके सर्व करें। बस तो ये झटपट बनने वाला मुरमुरा चटपटा एकदम तैयार है, गर्मा गर्म सर्व करें।